हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मसूर दाल का फेशियल लेके आई हूँ और ये फेशियल आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही खास है। मसूर दाल का फेस पैक चेहरे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे आप अपने ब्यूटी रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मसूर दाल का स्किन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये दाल स्किन को रूखेपन, मुहासे, पिगमेंटेशन और निशान से छुटकारा दिलाती है। इस फेशियल की एक ख़ास बात और है, ये फेशियल कोई भी स्किन टाइप्स वाला कर सकता है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ड्राई हो या फिर ऑयली हो, नॉर्मल हो, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, हमें किस तरह से ये पैक तैयार करना है। मैंने फेशियल करने से एक घंटे पहले आधे कप दूध में 3 चम्मच मसूर की दाल को भिगो के रख दिया है और ये अच्छे से फूल गई है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको दूध की कमी लगती है और तो आप थोड़ा सा इसमें दूध और मिक्स करना। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने दूध यूज़ किया है वो हमने बॉयल किया हुआ दूध नहीं लिया है, हमने यहाँ पे कच्चे दूध का यूज़ किया है, हमें कच्चा ही दूध चाहिए। तो चलिए हम इसको फटाफट से पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं पहले। और आप देख सकते हैं मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। मसूर दाल आपके चेहरे को गोरा करती है, दाग धब्बों को दूर करती है और पिगमेंटेशन और झाइयाँ पड़ जाती हैं तो उसे भी ये दूर करती है। ये फेशियल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर डलनेस नहीं आएगी, आपके चेहरे पे सनटैन है तो ये उसे भी रिमूव करके एक अच्छा सा ग्लो लेकर आएगी। और इस फेशियल के 3 स्टेप, तो सबसे पहले हम अपना क्लिंजर बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर मसूर दाल का 2 चम्मच पेस्ट लिया है और 1 चम्मच हम यहाँ पे दही लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने हाथों से अपने फेस पर इसे अच्छे से लगा लेंगे और फेस को सर्कुलर मोशन में आपको करना है और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। दही जितना खाने में सेहत को फ़ायदा करता है उतना ही हमारे फेस के लिए भी बहुत उपयोगी है। दही से स्किन को नमी मिलती है और आपके फेस से गंदे कण बाहर निकल जाते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं और 2 मिनट अपने फेस को क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे गीले टॉवल से अपने फेस को अच्छे से पोंछ लिया है। आप चाहें तो धो सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग का। तो स्क्रब हम तैयार करेंगे, तो जो हमने क्लींजर तैयार किया था उसी में ही हम 1 चम्मच जो मसूर दाल का पेस्ट है वो ले लेंगे। और इसके बाद 1 चम्मच हम लेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को मिक्सर जार में डाल के पीस सकते हैं, चावल का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो हमने क्लींजर था उसमें ही हमने मिक्स कर लिया है चावल का आटा और 1 चम्मच मसूर दाल का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करके हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और हमें सर्कुलर मोशन में ही स्क्रबिंग करनी है। और एक बात ध्यान देना आप लोग कि जब स्क्रब करते हैं ना तो बिल्कुल भी तेज़ हाथों से नहीं करना है, वरना आपके फेस पे रैशेस पड़ सकते हैं। आपको बहुत ही हल्के हाथों से ही करना है। मैं बिल्कुल भी तेज़ हाथों से नहीं कर रही हूँ, आपको लग रहा है ऐसा क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा तेज़ी से कर दिया है जिससे कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसी वजह से मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की। और स्क्रबिंग हम 2 मिनट तक करेंगे। चावल का आटा डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करता है। चावल में अमीनो एसिड और विटामिन्स होते हैं जो स्किन के लिए वाइटनिंग एजेंट का काम करते हैं और उसे गंदगी से बचाते हैं। तो 2 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद अब मैं अपने फेस को गीले टॉवल से पोंछ लूँगी। आप चाहें तो आप धो सकते हैं, लेकिन मैं गीले टॉवल से पोंछने के बाद में जो हमारा 3rd स्टेप होगा फेस पैक का वो हम तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय मेरे चेहरे पे जो ग्लो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद हम चलिए अपना जो फेस पैक है उसे तैयार कर लेंगे अब। और फेस पैक हमें किस तरह से तैयार करना है आप देख सकते हैं। फेस पैक तैयार करने के लिए हमने 2 चम्मच मसूर दाल का पेस्ट लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। और इसमें हम बस 1 पिंच हमें हल्दी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है बिल्कुल भी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए पेस्ट बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे आप अपने फेस पर लगा सकती हैं। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो हमने फेस पैक बना के तैयार किया है इसे आप
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेस पर एक मोटी परत लगा लीजिए। और इस फेस पैक को लगाने के बाद आप कम से कम अपने फेस पर इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें। इसे ड्राई होने के लिए आप छोड़ दें 15 मिनट के लिए। बेसन को स्किन के लिए काफ़ी गुणकारी माना गया है। ये न सिर्फ कील मुहासे दूर करता है बल्कि गंदगी भी निकाल देता है, और तो और स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटन भी बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हल्दी चेहरे पे चमक लाती है। हल्दी के यूज़ से नेचुरल ग्लो आता है। दाग धब्बे भी हल्के हो जाते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं और जो फेस पैक है वो मेरा अच्छे से सूख गया है, और इसे मैं अब अच्छे से वॉश करके आती हूँ। हम गर्म पानी का यूज़ नहीं करेंगे, ठंडे पानी से ही अपने फेस को वॉश करेंगे। तो आप देखिए, मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ और इसका ग्लो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा सा ग्लो आया है। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी आज की होम रेमेडी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।